हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी शिद्दत मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुआ है। और ये एक रोमांटिक जॉनर मूवी है और मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद एक अच्छा रोमांटिक स्टोरी देखने को मिले, विच इज़ नॉट लाइक दोज क्लीशे लव स्टोरी जो कि हम लोगों को जनरली बॉलीवुड फिल्म में देखने को मिलते हैं। लेकिन रोमांटिक स्टोरी होने के बावजूद भी इस फिल्म में कुछ कुछ चीज़ें मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बहुत ही एक मल्टी स्टार कास्ट मूवी है क्योंकि यहाँ पे चार एक्टर एक्ट्रेस है। यहाँ पे आप लोगों को सनी कौशल, राधिका मंदाना को लीड रोल पे देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ साथ इस फिल्म में मोहित रैना और डियाना पेंटी भी है जो दोनों भी इस फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर स्टोरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सनी कौशल एक हॉकी प्लेयर है और राधिका मदन यहाँ पे स्विमर है जो कि स्विमिंग प्रैक्टिस करता है। एक कंपटीशन के लिए वो खुद को तैयार करेंगे। अब इसी में चलते हुए इन दोनों का सडनली उनका मुलाकात होंगे और मुलाकात होने के बाद सनी कौशल विल फॉल इन लव विद हर। लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा ये प्यार को इजहार करना या फिर ये प्यार को पाना, क्योंकि फिल्म का नाम ही जब शिद्दत है तो यहाँ पे तो शिद्दत वाला प्यार तो दिखाना ही होगा। जो कि यहाँ पे सनी कौशल का जो प्यार था वो बहुत ही शिद्दत वाला प्यार यहाँ पे डायरेक्टर ने दिखाया है। लेकिन फिल्म पे जो लव स्टोरी यहाँ पे दिखाएंगे इट वॉज काइंड ऑफ वन साइडेड, क्योंकि आप लोगों को पूरे फिल्म पे सिर्फ यहाँ पे सनी कौशल का जो प्यार है राधिका मदन के लिए वही प्यार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राधिका मदन विल नॉट फॉल इन लव विद सनी कौशल, लेकिन एंड पे जाके ऑब्वियसली इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग ऑफकोर्स। लेकिन फिल्म पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ पे दिखाया था जो कि मुझे कुछ हद तक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगा था और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी फैल सकता है। तो फिल्म पे यहाँ पे जो दिखाया है कि सनी कौशल जब राधिका मदन को प्रपोज करेंगे तो शी विल से कि 3 महीने बाद उनका शादी होगी लंदन पे जाके, और तभी राधिका मदन सनी को चैलेंज करेंगे कि अगर तू मुझसे सच में प्यार करते हो तो 3 महीने बाद लंदन चले आना मेरे शादी में, मैं मेरा शादी उसी समय कैंसिल कर दूंगा। अब ये 3 महीने में सनी कौशल कैसे लंदन पहुँचेंगे, किस तरह से स्ट्रगल करके वो लंदन पहुँचेंगे और ये स्ट्रगलिंग फेज पे वो क्या क्या चीज़ें फेस करने होंगे, वो जर्नी स्मूथ होगा भी या नहीं, सब कुछ हम लोग के इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस फिल्म पे कैसे मोहित रैना सनी कौशल को मदद करेंगे राधिका मदन से मिलने के लिए, सब कुछ हम लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। तो इस फिल्म का जो प्रॉब्लमेटिक एक पार्ट मुझे लगा वो है यहाँ पे स्टॉकिंग दिखाया है, क्योंकि सनी कौशल यहाँ पे राधिका मदन को बार बार कहेंगे कि आई लव यू, मेरे साथ रहो, भी अपना शादी कैंसिल कर दो। तो ये सब तरीका सनी कौशल यहाँ पे अपनाएंगे राधिका मदन को मनाने के लिए। अगर ठीक तरीके से यहाँ पे डील करते डायरेक्टर तो शायद स्टोरी और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इतना कहूँगा कि ये जो लव स्टोरी है ये मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ वन टाइम वॉच, नॉट दैट बैड। फिल्म का रन टाइम भी लगभग बहुत ही बड़ा है, लेकिन ठीक है, उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यू सीन्स वेर क्वाइट बोरिंग कि सनी कौशल फ्रांस पे क्या करेंगे मोहित रैना के साथ, तो वो कुछ चीज़ें मुझे थोड़ा स्ट्रेची थोड़ा बोरिंग लग रहा था। लेकिन ओवरऑल फिल्म इट वॉज गुड, इट वॉज नॉट दैट बैड। अगर एक्टिंग के बारे में यहाँ पे कहूँ तो सीरियसली सनी कौशल और मोहित रैना का जो केमिस्ट्री जो बॉन्डिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में। सनी कौशल का एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त था, साथ ही साथ मोहित रैना का जो सपोर्टिव कैरेक्टर उन्होंने निभाए थे That was pretty much good। और बहुत सालों के बाद यहाँ पे हम लोग को डायना पेंडी को भी देखने को मिलेंगे, तो she was looking just pretty। इस फिल्म का और एक जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो है इस फिल्म का गाने। लेकिन इस फिल्म पे एक चीज़ जो मुझे बहुत ही इलॉजिकल लगा वो है यहाँ पे एक सीन हम लोग को देखने को मिलेंगे कि सनी कौशल इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके वो वहाँ पे स्विम करके वो लंदन पहुँचने की कोशिश करेंगे। आई वॉज लाइक ओके, पर इतना तो सेंस सबको होता है कि इंग्लिश चैनल क्रॉस करना, मतलब कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वो क्रॉस करके वो लंदन जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही इलॉजिकल लग रहा था, लेकिन फिल्म पे आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जर्नी दिखाया था कि कैसे यहाँ पे सनी कौशल फ्रांस जाएंगे, कैसे वो लंदन जाएंगे, किस तरीके से वो स्ट्रगलिंग करके पहुँचेंगे विदाउट एनी वीज़ा पासपोर्ट एंड ऑल, तो वो जर्नी यहाँ पे अच्छे से दिखाया था फिल्म पे। तो शिद्दत मूवी इज़ नॉट दैट बैड, इट्स अ गुड रोमांटिक मूवी। तो अगर आप लोग लव स्टोरी जॉनर पसंद करते हो तो यू कैन डेफिनेटली वॉच इट। किसी को पसंद आ भी सकता है, किसी को पसंद में भी नहीं भी आ सकता है। मुझे ओवरऑल ठीक लगा, कुछ कुछ सीन या कुछ मोमेंट साइड पे रखते हुए। तो अगर आप लोगों ने शिद्दत मूवी देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।